कर रहे थे, अल्टरनेटिंग करंट कर रहे थे, और हम लोगों ने बिगनिंग की थी कि कोई भी करंट जो अल्टरनेट करे, अब अल्टरनेट करने का मतलब यहाँ पे ये भी हो सकता है कि इस तरीके से अल्टरनेट करे डायरेक्शन में प्लस माइनस, या स्क्वायर वे के फॉर्म में अल्टरनेट करे प्लस माइनस, तो ऐसी कोई भी करंट जो टाइम के साथ अल्टरनेट करती है, अपनी डायरेक्शन बदलती है पीरियोडिकली, और पीरियोडिकली डायरेक्शन बदलने का मतलब यहाँ पे ये है कि एक पैटर्न के फॉर्म में लगातार अपनी डायरेक्शन बदले, प्लस का मतलब एक राइट है तो माइनस का मतलब लेफ्ट है, एक क्लॉक है तो एक एंटी क्लॉक है, तो ऐसी कोई भी करंट जो अपनी डायरेक्शन पीरियोडिकली अल्टरनेट करे उसको हम अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं, और इस टाइप की अल्टरनेटिंग करंट में एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ करंट होती है आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी के फॉर्म की। ऐसी करंट को अभी हम लोगों ने कुछ नाम नहीं दिया कि आई कहां से कैसे आए, तो अभी हम इसको साइनोसॉइडल बोल देते हैं क्योंकि इसमें साइन का फंक्शन आ रहा है। और मैंने शुरुआत की दो क्लासेस इस चीज पे ली थी कि अगर हमारे पास एक साइनोसॉइडल फंक्शन दिया हुआ है से y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस माइनस फाई, तो इसका मतलब क्या होता है, इस टाइप के साइनोसॉइडल फंक्शन का मतलब क्या होता है। तो मैंने बताया था कि अगर इस टाइप का एक फंक्शन बनाओगे तो साइनोसॉइडल फंक्शन का ही ग्राफ बनता है, बिल्कुल एग्जैक्टली साइनोसॉइडल फंक्शन का ग्राफ बनता है, बट इस साइनोसॉइडल फंक्शन के ग्राफ में जो एम्पलीट्यूड साइन थीटा का वन होता था इसका एम्पलीट्यूड ए हो जाता है, इसका टाइम पीरियड जो साइन थीटा का टू पाई होता था इसका टाइम पीरियड टू पाई बाई ओमेगा हो जाता है, और फेज डिफरेंस वैसे तो मैंने यहां पे जीरो से दिखा दिया है बट ये फाई जो आता है इसको फेज कांस्टेंट भी कहते हैं और फेज डिफरेंस भी बोलते हैं और इनिशियल फेज भी बोलते हैं, तो ये फेज डिफरेंस भी है, फेज कांस्टेंट भी है और ये इनिशियल फेज भी है, यही इनिशियल फेज है। और मैंने ये भी बता दिया था कि जब प्लस होता है तो हम उसको बोलते हैं लीडिंग फेज, और जब माइनस होता है तो हम उसको बोलते हैं लैगिंग फेज। फिर इसके बाद मैं तुम लोगों को लास्ट क्लास में बता रहा था कि अगर ऐसा हमारे पास कोई फंक्शन है या फिर इस टाइप का कोई फंक्शन है तो जो चीजें बदलती रहती हैं उनकी हम करेक्टरिस्टिक वैल्यू कैसे बताएं। तो मैंने तुमको दो करेक्टरिस्टिक वैल्यू लास्ट क्लास तक करा दी थी, एक मैंने तुमको बता दी थी कि सबसे पहले होती है एवरेज, और एवरेज करंट निकालते हैं हम लोग आई एवरेज इज इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी, डेल्टा क्यू चार्ज डेल्टा टी टाइम, जो कि आता है इंटीग्रल आई डी टी अपॉन इंटीग्रल डी टी से, और जितने पीरियड में चाहिए हो उतने पीरियड में हम लोग निकाल सकते हैं, और इसका यूज करके हम लोगों ने निकाली भी थी। जैसे कि अगर मैं तुमसे कुछ एग्जाम्पल पूछूं तो मुझे अभी के अभी बताते जाओ, बताओ अगर I इज इक्वल टू थ्री साइन ओमेगा टी की एक साइकिल की एवरेज पूछे, एक साइकिल की एवरेज वन कंप्लीट साइकिल में कितनी लिखोगे वो? जीरो। जीरो। वेरी गुड, सबको याद है साइन ओमेगा टी या इंटीग्रल कॉस ओमेगा टी आए, तो इस टाइप की एक साइकिल में जब इनको तुम इंटीग्रेट करते हो तो वो पूरा ग्राफ में प्लस माइनस कटने के बाद जीरो आ जाता है, तो इसलिए इंटीग्रल थ्री साइन ओमेगा टी की एवरेज जीरो आएगी। बट अगर हाफ साइकिल में पूछते तो बेटा अभी भी जीरो आता क्या हाफ साइकिल में? नहीं सर, नहीं सर, नो साइकिल में नहीं आता। कितना हाफ साइकिल में मैंने बताया था आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी टाइप का अगर कोई फंक्शन हो तो अंजनेय ने जो बोला बिल्कुल सही बोला, हाफ साइकिल में अगर हम एवरेज निकालते तो टू आई नॉट बाई पाई, याद कर लो मेरे साथ सब लोग बोलो बेटा, फुल साइकिल है तो साइनोसॉइडल का जीरो आएगी एवरेज, लेकिन अगर हाफ साइकिल है तो टू आई नॉट बाई पाई आएगी, बोलो बेटा कितनी आएगी? तो मुझे एक क्वेश्चन और बताओ, मैंने कराया ये क्वेश्चन बट मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, मान लो ये लिखा है थ्री साइन ओमेगा टी प्लस कुछ भी लेता हूँ रैंडम सेवन कॉस ओमेगा टी, इसकी बताओ कितनी आएगी एवरेज वैल्यू एक साइकिल में? जीरो। अच्छा अगर ऐसा कुछ दिया आई इज इक्वल टू थ्री टी, ऐसे दे रखी करंट आई इज इक्वल टू थ्री टी, टाइम के साथ लिनियरली चेंज हो रही है, करंट टाइम के साथ लिनियरली चेंज हो रही है, अब बताओ
अभी भी जीरो आएगी। मैं तुझसे पूछ रहा हूँ कि मान लो जीरो से टू सेकेंड, जीरो से थ्री सेकेंड को इंटरवल दे रखा है, जीरो से टू सेकेंड अभी भी जीरो आएगी कि अब नॉन जीरो आएगी? बट अगर ये इस टाइप की होती से, ये इस टाइप की स्क्वायर वेव होती जहां पे तुम्हारा फिर से ये तुम्हारा देखो प्लस माइनस अल्टरनेट करता है, या इस टाइप की साइनोसॉइडल होती, या अगर तुम्हारा इस टाइप से शॉर्टोथ होती, यूं शॉर्टोथ होती, तो जहां पे सिमेट्री होती जितना प्लस उतना माइनस, उन सबकी तो जरूर एवरेज जीरो आती वही वन कंप्लीट साइकिल में। लेकिन जैसे 3t है, 3t में कोई सिमिट्री नहीं है, तो y is equal to mx स्ट्रेट लाइन लगातार आगे बढ़ती आ रही है, तो फिर इसका हम फिर वही करेंगे इंटीग्रल i dt अपॉन इंटीग्रल dt निकाल लेंगे। बोलो बेटा यहाँ तक तो सबको समझ में आ गया था? यस सर। अच्छा तो भाई यहाँ तक समझ में आ गया था ना एवरेज तक, एवरेज टर्म निकाल लेते। अच्छा तो इसके आगे बढ़ते हैं। मान लो मेरे पास एवरेज करंट नहीं है, मुझको आरएमएस निकालनी है, तो मैंने तुम लोगों को लास्ट क्लास में आरएमएस करंट का रिलेवेंस बताया था। हम लोग आरएमएस करंट की बात ही क्यों करते हैं, आरएमएस करंट निकालते ही क्यों है? मैंने तुमको बताया था कि हम एसी सर्किट में जब बोल रहे हैं कि एक एसी साइनोसॉइडल है जो कि हमारे घरों में भी आती है, उसकी अगर हम एवरेज वैल्यू जीरो बोल रहे हैं तो इसका मतलब क्या है? एवरेज जीरो बोलने का मतलब क्या हमारे घरों में करंट ही नहीं आ रही है? तो मैंने बताया था कि हम सर्किट में मेनली इंटरेस्टेड होते हैं पावर कंजम्पशन में। इस सर्किट ने करंट ने अपनी डायरेक्शन बदली, सर्किट कभी तुम्हारी इधर है आधी साइकिल में, फिर इधर है, डायरेक्शन बदल रहा है। बट डायरेक्शन कुछ भी हो, बल्ब अगर है तो बल्ब में डायरेक्शन करंट की इधर हो चाहे इधर हो, बल्ब तो चल ही रहा है, रेजिस्टेंस में जूल हीटिंग तो हो ही रही है। तो जो पावर कंजम्पशन है उसमें I² / R या V² / R में तुम्हारा आई अभी नहीं आते, उनका स्क्वायर आते हैं। और मैंने तुमको हीट के फिर फॉर्मूले से प्रॉपरली सॉल्व करके बताया था कि अगर हम ऐसी एक करंट लें जो कि उतना ही पावर कंज्यूम करे जितना कि तुम्हारा एसी सर्किट कर रहा है, और डीसी लें वो, दोनों का इक्विवेलेंट पावर, दोनों का पावर कंजम्पशन सेम हो, तो ऐसी करंट को हम इक्विवेलेंट करंट या आरएमएस करंट भी बोलते हैं। क्योंकि मैंने इक्विवेलेंट करंट फॉर्मूला डिराइव करके बताया था, I² RT मैंने इंटीग्रल I² RdT करके सब करके निकाला था, और ये वैल्यू आई थी अंडर रूट इंटीग्रल I² dt अपॉन इंटीग्रल dt और फिर इस पूरे का अंडर रूट। मतलब पहले क्या करो, इंटीग्रल I² dt स्क्वायर करो करंट का टाइम के साथ, फिर टाइम के साथ उसका एवरेज निकाल लो उसी टाइम पीरियड में जिस टाइम पीरियड में तुम्हें आरएमएस चाहिए, और फिर उसका रूट निकाल लो। तो रूट मीन टाइम के साथ डिवाइड करना मीन है, और स्क्वायर I² तो इसलिए इस इक्विवेलेंट करंट को आरएमएस करंट भी कहते हैं। इक्विवेलेंट इसलिए बोलते हैं क्योंकि इट विल हैव दिस आरएमएस करंट, एक फिक्स वैल्यू आती है, तो आईआरएमएस की जो फिक्स वैल्यू आती है एक सिंगल यूनिक वैल्यू आती है। ये यूनिक वैल्यू क्या बताती है? तो ये यूनिक वैल्यू वो करंट बताती है जो कि उतना ही पावर कंज्यूम करेगी जितना कि हमारी एसी करंट या वेरिएबल करंट करे, जरूरी साइनोसॉइडल कोई भी हो। ये देखो लगातार बदल रही है, इसने भी कुछ पावर कंज्यूम की, और आईआरएमएस की यूनिक वैल्यू कुछ आई, उसने भी उतनी पावर कंज्यूम की, तो इसीलिए हम उसको इक्विवेलेंट वैल्यू बोलते हैं, इक्विवेलेंट इन टर्म्स ऑफ पावर। और फिर हम लोगों ने लास्ट क्लास में आरएमएस करंट निकालने के क्वेश्चन किए थे, तो मैंने तुमको बताया था कि बेटा अगर कहीं sin²ω(t dt) आए एक साइकिल में, या इंटीगल cos²ω(t dt) आए एक साइकिल में, एक साइकिल का मतलब से टाइम पीरियड हमारा टी है, तो जीरो से टी के बीच में, तो इसकी भी वैल्यू t/2 आती है, और इसकी भी वैल्यू t/2। हाँ, तो इसको यूज करके याद है मैंने निकलवाई थी, अगर I = I0 sin ω(t) है मेरे पास करंट, तो याद है मैंने तुम लोगों को इसकी आरएमएस वैल्यू निकलवाई थी बेटा, याद है कितनी आई थी इसकी आरएमएस करंट, आरएमएस एवरेज I0/√2। अच्छा, इसके बाद मैंने तुम लोगों को और क्वेश्चन कराना स्टार्ट किया था, तो बोलो बेटा ऐसा कुछ क्वेश्चन मैंने तुमको करवाया था a + b sin ω(t) वाला? यस सर। तो बेटा याद है, सभी लोगों ने निकाला था, किसी ने निकाल भी दिया था √a² + b² / 2, याद है कुछ? यस सर। अच्छा, ये लास्ट क्वेश्चन था कि इसके बाद और भी क्वेश्चन कराए थे? एक और था। अच्छा, तो अभी मैं एक लास्ट और दे देता हूँ बेटा। a sin ω(t + b cos ω(t) ये है मेरी करंट,
इसकी एवरेज तुम लोगों ने अभी मुझसे थोड़ी देर पहले बताई थी कि बेटा इसकी एवरेज जीरो होगी, ये देखो तुमने बताई थी। अब मुझे इसकी आरएमएस निकाल के बताओ तुम लोग। फाइंड द आरएमएस वैल्यू ऑफ ए साइन ओमेगा टी प्लस बी कॉस ओमेगा टी। अंडर रूट ए स्क्वायर पे बी स्क्वायर बाय 2 में मुझे ये बताओ 2 जो है वो अंडर रूट के बाहर आ रहा है कि अंदर आ रहा है? अंदर आ रहा है। चलो बहुत सही। अब लोगों ने कोई वो तो नहीं कर दिया इसको सिंपल, पहले वो बना दिया और साइन ए प्लस बी का फॉर्म बना दिया और इंटीग्रेशन से किया कि नहीं किया? साइन ए प्लस बी बना के किया है। मुझे लग रहा है तुम लोग साइन ए प्लस बी वाले लग रहे हो, मुझको शॉर्टकट ढूंढने वाले लग रहे हो मुझको। इंटीग्रेशन से नहीं किया था? इंटीग्रेशन से किया। चलो तो इंटीग्रेशन से किसी को दिक्कत हो तो बताऊं, मैं आगे बढ़ूं इंटीग्रेशन करा दूं, नहीं तो फिर मैं आगे बढ़ जाऊं। इसका देखो मैं कर देता हूं। आई आर एम एस इज इक्वल टू निकालने के दो तरीके हैं। एक सिंपल तरीका है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड कर दो, ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस ओमेगा टी। अब एक ट्राइंगल मान लो जिसमें ए और बी उस राइट ट्राइंगल की साइड है ऐसे, और इसको कॉस, तो इसको मैं ए मान लेता हूं, इसको बी मान लेता हूं, राइट ट्राइंगल है तो ये अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब मैंने इसको मान लिया अल्फा, तो ये बन जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन ओमेगा टी ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बोलो क्या लिखे, साइन अल्फा की कॉस अल्फा? कॉस अल्फा। तो ये बन गया साइन ओमेगा टी कॉस अल्फा प्लस कॉस ओमेगा टी साइन अल्फा, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी बन गया साइन ए प्लस बी। तो अब देखो ये भी एक साइनोसॉइडल बन गई, और ये साइनोसॉइडल बन गई है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ब्रैकेट में साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा, ये भी एक साइनोसॉइडल बन गई और ये उसका एम्पलीट्यूड बन गया। और तुमको मालूम है कि अगर आई नॉट साइन ओमेगा टी लिखा हो तो उसका आई एम एस आई नॉट बाई रूट टू होता है, तो यही तो आई नॉट है, इसलिए इस बार आई एम एस आएगी आई नॉट यानी कि जो पीक वैल्यू आई डिवाइडेड बाई रूट टू। इसीलिए मैं तुमसे पूछ रहा था कि रूट किधर है, तो रूट को अंदर ले आओ, ये आना चाहिए। बोलो बेटा यही आया था सबका? ओके। और अगर इंटीग्रेशन से करते तो भी यही आता, तब भी कर देता हूं। अगर इंटीग्रेशन से करते इंटीगल आई स्क्वायर डी टी, तो ये बनते ऐसे टर्म इंटीगल ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी डी टी, एक टर्म बचता 2ab sin ओमेगा टी cos ओमेगा टी डी टी, और नीचे खैर पूरा टाइम पीरियड रहता। इसमें तुमको मालूम है कि a स्क्वायर कांस्टेंट है तो बाहर आ जाता, और जो sin स्क्वायर ओमेगा टी है उसकी मैं तुमको पहले बता चुका हूं कि इंटीग्रल sin स्क्वायर ओमेगा टी डी टी t by 2 होता है, t by 2, b स्क्वायर बाहर आया था t by 2, यहां पे भी t by 2, और लास्ट में जो तुम्हारा 2ab बाहर आता 2 साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी, 2 साइन थीटा कॉस थीटा को साइन 2 थीटा लिख लेते, साइन 2 ओमेगा टी लिख लेते, और इंटीगल साइन 2 ओमेगा टी हो चाहे इंटीगल साइन 3 ओमेगा टी डी टी हो, कुछ भी हो, एन ओ मैंने बताया था लास्ट क्लास में जीरो हो जाएगा। नीचे टी है, नीचे यहां पर टी है, तो अब जब तुम यहां टी से काटते तो ये वाले टी टी कट जाते और ये बच जाता ए स्क्वायर पे बी स्क्वायर बाई 2, ये हमारा आई एम एस ये निकल आता। बोलो कोई दिक्कत अभी तक? पिक तो पिक लेना हो तो पिक ले लो, फिर मैं आगे बढ़ जाऊं। इसकी पिक लेना हो, स्नैपशॉट लेना हो, पिक लेना हो तो पिक ले लो। बोलिए ले लिया? चलो आगे बढ़ते हैं। ये तुम्हारी बुक का एक क्वेश्चन है, इसकी मुझे आरएमएस वैल्यू चाहिए। तुम्हारी बुक में एक्सरसाइज में है
मैं ढूंढ रहा था तो मुझे ज्यादा क्वेश्चन तो नहीं मिले, ये एक मिला। इसकी आरएमएस वैल्यू बतानी, बोलो बेटा कैसे करें, क्या करेंगे, निकाल सकते हो? तो निकाल सकते हो तो सब लोग मुझे निकाल के बताओ, तो दिक्कत होती है तो मैं तुम लोगों को अभी बताऊंगा। मुझे इसकी इस क्वेश्चन में मुझको आरएमएस वैल्यू चाहिए, आरएमएस वैल्यू चाहिए। जिसका हो जाए सबसे पहले बताओ। सर ये फुल टाइम पीरियड के लिए होती ना? हाँ बेटा फुल टाइम पीरियड के लिए। किसी का आ गया क्या? टेन। चलो बाकी लोग भी कर लो। हो गया सबका? हिंट दे रहा हूं कि अगर मुझे आईआरएमएस चाहिए तो फॉर्मूला मेरे पास एक ही है और वो है अंडर रूट आई स्क्वायर डी टी इंटीग्रल आई स्क्वायर डी टी अपॉन इंटीग्रल डी टी, और कोई फॉर्मूला ही नहीं है। तो यहां पे क्या करोगे, इंटीग्रल आई स्क्वायर डी टी, तो एक तुम्हारा टर्म आएगा 10 का स्क्वायर यानी कि 100 साइन स्क्वायर 100 पाई टी डी टी, बाद में भी लिख दूंगा डी टी, प्लस एक तो तुम्हारा ये टर्म है, प्लस दूसरा टर्म आएगा तुम्हारा 100, इसका जब तुम करोगे तो ये तुम्हारा आएगा 100 क्रॉस स्क्वायर 100 पाई टी प्लस 30, फिर तुम्हारा एक टर्म प्लस यही तुम्हारा है, इसी को तुमको एक 2ab 2 × 10 × 10 साइन 100 पाई टी क्रॉस 100 पाई टी प्लस 30, सब में तुम्हारा इंटीग्रल डी टी और नीचे टाइम पीरियड तो होता ही होता है, अब इसी को तो मैं कर डालना है, एक टाइम पीरियड में करना है। और तुमको हिंट है कि इंटीग्रल साइन स्क्वायर कुछ भी लिखा है, साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा, इसको तुम्हें एक साइकिल में करना है तो टी बाय टू आएगा, टाइम पीरियड दोनों का सेम है क्योंकि देखो ओमेगा दोनों का सेम है। कॉस स्क्वायर कुछ लिखा भी है, कोई फेज डिफरेंस भी लिखा है, जैसे तुम्हारा कॉस स्क्वायर 100 पाई टी प्लस 30 लिखा है, कोई फर्क नहीं पड़ता 30 है, ये तुम्हारा खाली फेज डिफरेंस है, इसका भी जब तुम इंटीग्रल करोगे तो तुम्हारा ये भी टी बाय टू आएगा, ठीक, ये भी तुम्हारा टी बाय टू आएगा। अब करो, और ये अगर तुम्हें लंबा लग रहा हो तो मेरे पास एक और तरीका है और वो है फेजर सम वाला, तो पहले ये कर लो फिर तुम्हें फेजर सम वाला बता दूं, और अगर तुम्हें फेजर सम हो गया है तो आरएमएस से कर लो, आरएमएस से हो गया तो फेजर सम से कर लो, फेजर सम वाला तरीका बहुत ही आसान है। बोलो बेटा हुआ? यस सर। अच्छा सबका हो गया? यस। चलो किसी को दिक्कत? फेजर सम से किया तुम लोगों ने? फेजर सम से किया कि इंटीग्रेशन से किया? इंटीग्रेशन। अच्छा किसी ने फेजर सम से किया? बोलो, नहीं किया? फेजर सम से कर सकते हैं, तो चलो मैं तुमको बता रहा हूं फेजर सम से कैसे करते हैं। जैसे मान लो सिंपलीफाइड तुमको फॉर्मेट में बोल रहा हूं, मान लो मेरे पास ये लिखा होता a साइन ओमेगा टी प्लस बी कॉस ओमेगा टी, इसकी आरएमएस बताओ। तो एक तो तरीका यही है कि तुम पूरा प्रॉपर इंटीग्रेशन पे लग जाओ, इसका स्क्वायर और एक 2ab वाला टर्म। और एक तरीका भी देखो, पिछले वाले में क्या किया था मैंने, ये a sin ओमेगा t प्लस b cos ओमेगा t, ये साइनसोइडल है, फेजर को कैसे जोड़ते हैं, अगर ये साइन है ये कॉस है तो 90 डिग्री का फेज डिफरेंस, वेक्टर मान लो a b 90 डिग्री पे दिखा दो, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड निकाल लो, और फिर एक बार साइनसोइडल लिख लिया तो i0 / √2 कर लो। अब मैं क्या करूं, सेम चीज यहां पे यूज करूं, मेरे पास यहां पे ये 10 sin 100 पाई t प्लस 10 cos ये लिखा हुआ है, तो मैं क्या करूं, पहले इसको साइन के फॉर्म में कन्वर्ट कर लूं,
साइन के फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करूं, तो मैं लिख सकता हूं कि साइन 180, या तो मैं इसको लिख लूं साइन 270 प्लस थीटा, साइन 270 प्लस थीटा, साइन 270 प्लस थीटा ये हमारा बनता है कॉस थीटा। तो अगर मैं यहाँ पे बोलो बेटा ये सही है साइन 270 प्लस थीटा कॉस थीटा? अब मैं क्या करूँ, एक कॉस थीटा लिखा हुआ है, इसको मैं साइन में कन्वर्ट कर लूं, और एक बार ये साइन में कन्वर्ट हो जाए तो मेरे पास ये ए वन साइन ओमेगा टी प्लस ए टू साइन, एक सेकेंड साइन 270 प्लस 0 90 180 270 प्लस साइन माइनस कॉस थीटा, हाँ इसीलिए माइनस कॉस थीटा। और अगर मुझको इसमें साइन की वैल्यू प्लस में ही चाहिए तो मैं इसको करूं कन्वर्ट कॉस थीटा को साइन 90 माइनस थीटा करूं, या साइन 90 प्लस थीटा करूं, साइन 90 प्लस थीटा करूं तो भी हमारा कॉस थीटा, ये चलो इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, बोलो ये वाला फॉर्मेट साइन 90 प्लस थीटा। अल्टीमेटली हमको बस इसको साइन के फॉर्मेट में लिख लेना है, और एक बार जैसे ही साइन के फॉर्मेट में लिख गया तो हमारे पास दो चीजें बचेंगी, एक बचेगा ए वन साइन ओमेगा टी और एक बचेगा ए टू साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ये बन जाएगा ए वन, ये साइन ओमेगा टी, ये बन जाएगा ए टू, और ये साइन ओमेगा टी प्लस फाइव साइन में कन्वर्ट कर लिया साइन 90 प्लस थीटा, ये कॉस थीटा लिखा है तो इसमें 90 और जोड़ दो तो ये बन जाएगा देखो 10 साइन 100 पाई टी प्लस 10 कॉस, कॉस थीटा को मैं लिखने जा रहा हूं साइन 90 प्लस थीटा, डिग्री को मैंने लिख, यहां तक कोई दिक्कत बोल बेटा? आवाज नहीं आ रही, बोलो कोई दिक्कत नहीं। तो अब मैं ये कह रहा था कि अब ये तुम्हारे पास दो वेक्टर हैं, एक 10 का वेक्टर है और दूसरा भी 10 का वेक्टर है, और दोनों के बीच में 2π/3 यानी कि 120 डिग्री का एंगल है। अब मुझे ये बताओ इनका रिजल्टेंट कितना आएगा, इनका रिजल्टेंट कितना आएगा? 10। यार वही बताने की कोशिश कर रहा हूं, ये तुरंत हो जाएगा, इसमें तुमको इसे इंटीग्रेशन नहीं करनी पड़ेगा, वही बता रहा हूं फेजर सम का फायदा, कि अगर ये 10 है, ये 10 है, ये 120 है, तो बेटा देखो ना ये 10 का ये 60 होगा, 10 cos 60 ये कट जाएगा तो 10 cos 65 और ये आएगा 10 sin 60। तो जब तुम करोगे 10 में से 5 हटा के 5 और ये 10 sin 60 यानी कि 5√3, जब इनको जोड़ोगे तो ये तुम्हारा 5 और 5√3 का वेक्टर सम फिर से 10 आ जाएगा, और ये 10 sin 100 pi t प्लस समथिंग बनेगा, वो समथिंग की तुम्हें कोई टेंशन नहीं लेनी है। अगर एम्पलीट्यूड 10 है तो पक्की बात है तुम्हारा जो IRMS की वैल्यू आएगी वो आएगी 10/√2 यानी कि 5√2, ये आना चाहिए आंसर। बोलो ये आ रहा था, कितना आ रहा था तुम लोगों का आंसर? बोलो बेटा बोलो, कुछ आवाज ही नहीं आ रही तुम लोगों की यार। 10 आ रहा था, टेन आ रहा था। सर ये थर्ड वाले टर्म का इंटीग्रल बता दिए कैसे निकालेंगे? देखो थर्ड वाले टर्म का इंटीग्रल निकालने में तुमको एक तो दिक्कत ये आएगी कि साइन 100 पाई टी और कॉस 100 पाई टी प्लस 30 को तुमको खोलना पड़ेगा, कॉस ए प्लस बी जो है उसको तुम खोलोगे कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी करके, और ये तुम्हारा लंबा पड़ेगा, इसीलिए मैं तुम लोगों को बार बार बोल रहा था कि फेजर से कर लोगे तो इजी पड़ेगा। अब ये वाली तुम्हारा जो पार्ट है वो मैथमेटिकल पार्ट है, और जहां पे मैथमेटिकल में इंटीग्रेशन, क्योंकि फिजिक्स में हम लोग ज्यादा इंटीग्रेशन बहुत जहां पे बल्कि होते हैं वहां पे हम लोग एक दूसरा फॉर्म निकालते हैं, और मैं तुमको बोला था कि ये हम फेजर सम कर ही इसी ले रहे हैं कि जहां पे भी ट्रिग्नोमेट्री लंबी पड़ेगी ये तुम्हारा इंटीग्रेशन लंबा पड़ेगा, तो हम यहाँ पे इनको वेक्टर की तरह डील कर लेंगे। और अगर तुमको ये वाली चीज समझ में आ जाए कि वेक्टर से ये काम सिर्फ 2 मिनट का हो जाता है तो फिर तुम ये सारी चीजें समझ गए, तो मुझे इस पे फोकस करो, ये वाला तो तुम्हारा लंबा पढ़ना ही पढ़ना है।
इसमें बताओ मुझे, ये वाले में फिगर में कोई दिक्कत नहीं होगा। हाँ बोलो बेटा, आंसर 10 आ रहा है। तो देखो मैं अपनी कैलकुलेशन एक बार चेक कर लेता हूं। नहीं नहीं, हमारा ही गलत आ रहा है। अच्छा तुम्हारा गलत आ रहा है। तुम लोगों ने जो किया है ना, वो मुझे लग रहा है इंटीग्रेशन में कोई स्टेप तुम लोगों ने या तो स्किप कर दिया होगा, तभी तुम लोगों का सबका 10 आ रहा है। यस यस सर, ये थर्ड वाले टर्म को डायरेक्ट जीरो लिखती हूं। अच्छा नहीं जी, अच्छा नहीं बेटा, वो होगा कुछ, मैंने तुमको बोला ना, मैंने जीरो लिखने को नहीं बोला, मैंने बोला कि इसको खोलोगे, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी करोगे, है ना। तो मुना जब इसको खोलोगे ना, तो फिर वो लंबा पड़ेगा। अब उसको तुम कैसे डील कर रहे हो, तो तुम लोगों ने इंटीग्रेशन पढ़ा होगा मैथमेटिक्स में अभी रिसेंटली, तो अब वो मुझे नहीं पता तुम लोग कैसे करोगे, बट लंबा पड़ेगा, इसीलिए मैं फेजर पे जा रहा हूँ। तो अगर तुम उसको फेजर से कर लो, तो मैं बोलूंगा कि बहुत इजीली हो जाएगा, ये इंटीग्रेशन फंस जाएगा। ये इंटीग्रेशन ना इंटीग्रल साइन 100 पाई टी और ये कॉस 100 पाई टी प्लस 30 बीटा, जीरो मत लिख देना, क्योंकि जीरो इसलिए नहीं लिख सकते क्योंकि ये वो नहीं है ना, साइन ए कॉस भी नहीं है, ये तो अलग एंगल है ना, ये तो ये लिखा हुआ है, जैसे ये साइन 30 कॉस 30 लिखा होता, टू से मल्टीप्लाई डिवाइड करते तो टू साइन ए साइन भी, या टू साइन ए कॉस भी बन जाता, ये टू साइन ए कॉस भी बन जाता, तो तुम लिख लेते साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, तो साइन के सारे का जीरो लिख देते, बट ये एंगल सेम नहीं है ना, तो इनको तुम्हें खोल के करना पड़ेगा। अगर तुमने खोल के नहीं किया और तुरंत जीरो लग दिया, तो बेटा वो गलत किया है। मेरे हिसाब से इसका आंसर 5√2 आना चाहिए। बोलो बेटा पीछे आंसर 5√2 ही है ना। बोलो बेटा सही है सही है। अच्छा चलो, तो फिर से बता दूं क्या? तो अब इस क्वेश्चन में ध्यान दो, मेरे पास ये एंगल डिफरेंट है और एक कॉस थीटा लिखा हुआ है। तो मैं तुमको देखो करने को क्या बोल रहा हूँ, मैं तुमको बोल रहा हूँ कि ये जो कॉस थीटा है, इसको सबसे पहले साइन थीटा में कन्वर्ट कर लो। तो मुझे तुमसे 270 और 90 प्लस बोल रहा था, वो इसीलिए बोल रहा था क्योंकि जब हम वेक्टर जोड़ते हैं ना, a1 साइन ओमेगा टी प्लस a2 साइन ओमेगा टी, तो वो a1 साइन ओमेगा टी और a2 साइन ओमेगा टी में दोनों साइन के फॉर्मेट में होने चाहिए, साइन और कॉस नहीं। अब ये जो वैल्यूज हमें दे रखी है वो मैं लिख लेता हूँ। एक मुझे दे रखा है 10 sin 100 pi t, ये मैंने लिखा 10 sin 100 pi t। अब मेरी दिक्कत ये आ रही थी कि वो कॉस थीटा में, तो वो दिक्कत में क्या कह रहा था कि कॉस थीटा को साइन थीटा के फॉर्म में लिखना, और ऐसे फॉर्म में लिखना कि साइन ना बदले, माइनस नहीं चाहिए मुझे, इसीलिए मैं तुमसे पूछा था कि बताओ कौन सा लिखें। तो तुम लोग सोच रहे होगे सर क्या कर रहे हैं, लेकिन मैं तुमसे ये पूछ रहा था कि अगर यहाँ पे माइनस साइन घुस कर देंगे ना, तो दिक्कत हो जाएगी। हम वेक्टर एडिशन, फेजर का एडिशन हमें पता है, फेजर का सब्ट्रैक्शन नहीं पता है। तो मैं तुमसे बोला था कि कॉस थीटा को क्या लिखें, तो मैंने बोला था कि कॉस थीटा को बेटा साइन 90 प्लस थीटा में लिख लो। साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा में क्या है कि साइन की जो साइन है, मतलब जो बाहर प्लस माइनस लगता है, वो प्लस ही रहेगा। अब क्या करो, जो मुझे दिया था ओरिजिनल क्वेश्चन में कि कॉस 100 पाई टी प्लस 30 है, 10 कॉस 100 पाई टी प्लस 30 को मैंने ये देखो साइन 90 प्लस थीटा के फॉर्म में लिख दिया, 10 साइन 100 पाई टी प्लस 10 साइन 90 जोड़ना है। तो अगर बेटा इसमें 90 जोड़ोगे तो 90 प्लस 30 120 डिग्री तो आएगा। इसमें मैंने क्या तुमको ऐसा टफ चीज बता दी? बोले यहां तक किसी को दिक्कत हो तो बोलू, नहीं हो तो मैं आगे बोलू। नहीं है दिक्कत। अंजनी? नो सर, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, और बाकी लोग बताओ बेटा, किसी को दिक्कत नहीं सर? अच्छा चलो, तो बेटा ये बताओ फेजर सम याद है कुछ तुम लोगों को? मैंने बताया था पहली, बिल्कुल पहली दूसरी क्लास में, फेजर सम क्या क्या होता है? फेजर सम कि अगर मेरे पास दो फेजर जोड़ने हो, तो बेटा ये जो एम्पलीट्यूड होते हैं इनको वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड की तरह, और ये जो फेज डिफरेंस हो जो कि यहां पे 120 है, उसको वेक्टर के बीच के एंगल की तरह ले लो, और फेजर्स को बिल्कुल वेक्टर की तरह जोड़ दो। बोलो बेटा इसमें, इस स्टेटमेंट में किसी को कोई दिक्कत, भूल गया हो तो बताओ।
अब मैं जोड़ने जा रहा हूँ, अब मैं जोड़ने जा रहा हूँ। तो मैंने ये बनाया देखो एक वेक्टर 10 का रेफरेंस मान लिया साइन 100 पाई टी, और दूसरा वेक्टर में वहां से 120 डिग्री के एंगल पे दिखाऊंगा। तो मुझे खुद ही बताओ बेटा 120 डिग्री का एंगल किसको बोलोगे बेटा? यहां से देखो ऐसे बढ़ते बढ़ते 90 90 90 90, ये आएगा 120, ये आएगा 120, इसको बोलते हैं 120। हमेशा बाहर से एंगल देखते हैं वेक्टर में। तो ये तुम्हारा देखो 120 है, और ये मैंने बनाया दूसरा वेक्टर जो भी अभी भी 10 का है। अब खुद मुझे बताओ बेटा ये जो दूसरा मैंने 120 पे बनाया है इसका ये इंटरनल एंगल 60 डिग्री लिख सकता हूँ? बोलो। यस यस सर। अच्छा अब मुझे बताओ रिजल्टेंट जो होगा इन दोनों का वो मुझे ऐसे मिलेगा? वेक्टर्स ऐसे तो जोड़ते हैं इनिशियल टू फाइनल, ये मिलेगा मुझे रिजल्टेंट? हाँ सर। अब मुझे मुन्ना ये बताओ ये 10 है, मैं कोई मैथमेटिक्स नहीं लगा रहा हूँ, ये 10 है, कंपोनेंट नंबर भी नहीं कर रहा हूँ, ये 60 डिग्री है, सामने वाले जो एंगल्स है वो इक्वल होंगे 10 10 के? मतलब अगर 10 ये 10 है, ये 10 है, तो 10 के सामने वाला ये एंगल, इस 10 के सामने वाला ये एंगल इक्वल होंगे? तो यानी कि ये 60 ये 60 ये 60 सारा ये इक्विलेटर ट्राइंगल है, तो क्या रिजल्टेंट की वैल्यू अगर मैं 10 लिख दूं तो कोई गलत कर रहा हूं क्या? बोलो बेटा। नहीं सर, सही कर रहा हूं ना? तो अब मुझे बताओ मैं इन दोनों को जोड़ के मैं जब वेक्टर आ गया मुझे तो मैं इनका रिजल्टेंट फेजर क्या लिखूं? मुझे बताओ रिजल्टेंट फेजर में ये लिख सकता हूं रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड 10 साइन 100 पाई टी। मैंने बोला था एंगल के लिए परेशान मत होना, बट जब आ ही गया तो मैं क्यों ना लिखूं बेटा, इसको रेफरेंस माना था, इससे 60 डिग्री आ रहा है, ये आ रहा मेरा आंसर, ये है मेरी रिजल्टेंट इनको जोड़ने के बाद। जो मुझे क्वेश्चन दिया था वो एक्चुअली ये है एक सिंगल फॉर्म में, ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव के फॉर्म में लिखा हुआ है, ये मेरा आई नॉट है, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, आई नॉट की वैल्यू मेरी 10 आ रही है। तो क्या अब ये IRMS में गलत लिख रहा हूं क्या कि मैं आई नॉट बाई रूट टू कर दूं और 10 बाई रूट टू कर दूं और 10 बाई रूट टू को 5 रूट टू कर दूं? तो बताओ इसमें क्या नहीं समझा? यस यस समझा। बोलो बेटा। बोलो मुन्ना आ गया? सब लोग बेटा बोलो। आ गया सर। बोलो मुन्ना। हाँ सर। आप किसी को दिक्कत? आ गया सर। अच्छा अब मैं दिक्कत, अब मैं दिक्कत बोलता हूँ, इसमें क्या दिक्कत? ये बिल्कुल सही है, तुम्हारी जगह मैं होता तो मैं भी ये करता। आज से करीब समझ लो 2003 में मैंने IIT निकाला था, तब मुझे मेरे सर ने ये बात बताई थी कि कोई क्वेश्चन है तो कई बार क्या होता है हम चीजें रट लेते हैं, तो फिर हम रट लेते हैं तो हम लोग वही हर चीज लगाते हैं। हमें हर चीज को बिल्कुल बिगिनिंग से स्टार्ट करना चाहिए, हो सकता है हम गलत हो तो हमें तुरंत थोड़ी ना पता, भाई हमें पता थोड़ी ना कि हम इसमें RMSE लगाएंगे, पहले फेजर से ही करेंगे, इंटीग्रेशन नहीं करेंगे। हमने भैया अपना इंटीग्रेशन से करना स्टार्ट किया, अब वो यहाँ आके फंस गया, यहाँ के इसके आगे की मैथमेटिक्स मुझे तो नहीं इस टाइप की इतनी कैलकुलेशन इंटीग्रेशन की आती, क्योंकि फिजिक्स में जरूरत नहीं पड़ती, उस समय पढ़ी होगी मैंने ITJ निकालते वक्त, अब मैं नहीं इतनी फिजिक्स इतनी मैथमेटिक्स मुझे याद है और मुझे कोई जरूरत भी नहीं है, लंबा भी पड़ रहा है। तो इफ देयर इज अ शॉर्टकट अवेलेबल और देयर इज अ शॉर्टकट अवेलेबल बिकॉज फेजर फॉर्म मैंने बताया था कि यूजी इसीलिए करते हैं कि जहां पे मैथमेटिक्स कॉम्प्लिकेटेड हो जाए, और इस चैप्टर में बेटा मैथमेटिक्स कॉम्प्लिकेटेड पढ़ने वाली है, ये जो RL RC LCR सर्किट है वो इतने कॉम्प्लिकेटेड, अगर उनकी मैथमेटिक्स करने लगे ना ट्रिग्नोमेट्री तो तुम नहीं कर पाओगे, तुम मैथ्स के सर से कला लेना वो भी इस लेवल पे नहीं कर पाएंगे, तो क्या करेंगे उसमें? इसीलिए तो हमने ये वेक्टर का ये शॉर्टकट डेवलप किया है, पहले नहीं पता होता कि भाई इस क्वेश्चन में लगेगा कि नहीं लगेगा, यहाँ पे मैं फंस रहा था इसलिए मैंने इससे कर लिया, और देखो बेटा कितनी इजीली आ गया। अब बताओ बेटा ये समझ में आया इस टाइप के क्वेश्चन कैसे करोगे? यस ठीक। यस चलो इसकी पिक ले लो फिर बेटा आगे बढ़े, ये बुक का क्वेश्चन है मैंने करा दिया क्योंकि मुझे मालूम था ये तुम लोगों को दिक्कत होती, पिक ले लो। मैग्नेटिज्म वगैरह के डाउट्स ना, मैग्नेटिज्म के डाउट कर लेंगे बेटा। तो अभी एक काम करते हैं, एक दिन डिसाइड कर लेते हैं जिस दिन सब लोग करके लाओ। हाँ तो कल आपकी क्लास ही नहीं। अच्छा तो परसों तो होगी, संडे 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 सही संडे कल रिस्क नहीं होगा ना सर, थर्सडे जो तुम लोग बोलो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ। तुम लोग किस दिन चाहते हो बेटा क्लास एक्स्ट्रा क्लास? सर संडे को आपकी क्लास होती है बेटा, चेंज होता रहता है ना शेड्यूल, तो कोई फिक्स तो है नहीं, पिछले संडे हुई थी, अब इस संडे होगी कि नहीं होगी
एक काम करते हैं, संडे या उससे पहले, फ्राइडे या संडे, फ्राइडे सैटरडे, फ्राइडे से संडे के बीच में जब क्लास हो, कैसा आइडिया है? फ्राइडे नहीं, संडे कोई संडे। अच्छा कौन सा चैप्टर? मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिज्म एंड मैटर, ईएमआई, एसी। एसी तो अभी कर रहे हैं, कौन सा चैप्टर करना चाहते हो? मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। चलो चलो, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म संडे। ओके यस सर, ठीक, डन करें सब लोग। ओके, तो मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म संडे को सब लोग करके आओगे और हम लोग वन बाय वन तुम्हारी सारी प्रॉब्लम डिस्कस कर लेंगे, ठीक। और मैं अच्छा रहेगा तो मैं करूंगा वो जो है क्वेश्चंस जो है तुमसे पूछता चलूंगा, पहले से पांच तक कोई दिक्कत, पांच से दस के बीच में कोई दिक्कत, दस से पंद्रह सारे जिसको दिक्कत हो बताते हैं ना, सारे के सारे तुम्हारे साइड में साइड करता चलूंगा। ओके ठीक, चलो बेटा इसकी पिक ले लो तो आगे बढ़े। मुन्ना इसकी पिक ले लो, ये इस क्वेश्चन की, ये वाली और ये वाली, दोनों ले ली। यस चलो आगे। अच्छा आप बताओ मुझे, एवरेज और आरएमएस के जेई मेंस लेवल के क्वेश्चन कर लोगे सब लोग? यस सर कर लेंगे। कॉन्फिडेंस आ गया कि और कराऊं प्रैक्टिस? करेंगे तब बताएंगे। हाँ करेंगे बताएंगे मतलब? नहीं पहले ये क्या कर रहे हो बेटा, यही तो कर रहे हो अब। जेई मेंस के लेवल के क्वेश्चन जो होंगे बुक बुक में तो देखे होंगे ना किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, नहीं देखे अभी तक? बुक उलट पुलट के देखो तो जेई लेवल के क्वेश्चन का आइडिया लग जाएगा और उससे तो पता चल जाएगा ना कि इस टाइप के क्वेश्चन लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं। जेई लेवल के क्वेश्चन उलट पुलट के देखिए कि नहीं देखिए कभी किताब है लल्ला? अच्छा चलो आगे बढ़ते हैं। चलो अब मैं तुमको बताने जा रहा हूं नेक्स्ट पॉइंट कि एसी करंट की जरूरत क्या पड़ती है, और फिर मैं तुम लोगों को एक चीज कराने जा रहा हूं ट्रांसफॉर्मर, और फिर एलसीआर सर्किट वगैरह सब कराऊंगा। बट अब हम एसी सर्किट की जरूरत क्या पड़ती है, तो हेडिंग डाल लो, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, व्हाई एसी इज प्रेफर्ड ओवर डीसी, व्हाई एसी इज प्रेफर्ड ओवर डीसी। ये हेडिंग डालना है? हाँ बेटा, व्हाई एसी इज प्रेफर्ड ओवर डीसी, ये हेडिंग भी है और एक क्वेश्चन का आंसर भी है, एनसीईआरटी में एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसका। अब देखो क्या है, मान लो मैंने क्या किया, जिस तरीके से हम लोग सबसे पहले हम लोगों ने जब करंट बनाई थी तो बैटरीज हम लोगों ने बनाई थी, बैटरीज जब बड़े पर्पज पे यूज करने की बारी आई, मान लो हम ऐसा कुछ करते हैं कि मान लो मुझे किसी सिटी में सप्लाई करनी है करंट, और सिटी में जब मुझे करंट सप्लाई करनी है तो एसी वेसी सब भूल जाओ, हम लोग क्या करें, बैटरीज को यूज करें, बैटरीज को यूज करें जो तुमने करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा था, खूब बड़ी बड़ी बैटरी का मैंने बैटरी का बैंक बनाया, पावर हाउस है, ये पावर स्टेशन है, और पावर स्टेशन पे मैंने डीसी सोर्स यूज किया, मतलब बैटरी यूज की। यहां पे हमारे पास एक सिटी है, इसको मैंने नाम दे दिया लोड का, ये पावर कंज्यूम करेगा, और सिटी के आने के बीच में, पावर स्टेशन से सिटी के आने के बीच में ट्रांसमिशन लाइन्स हैं, ट्रांसमिशन लाइन तुम्हें देखा होगा हाई टेंशन पावर लाइन्स जो बिछी होती है हाईवे पे, लाइन चलती रहती है, तो ये ट्रांसमिशन लाइन्स हैं, इनका मैंने एक रेजिस्टेंस दिखा दिया आरटी, और सिटी के लोड का मैंने रेजिस्टेंस दिखा दिया आरएल, और मैंने कुछ माना कि यहाँ पे जो पावर स्टेशन है वो पी की पावर जनरेट कर रहा है। पावर स्टेशन तुमने देखा हो, पावर ऐसे बनाते हैं 300 मेगावाट का पावर स्टेशन, 1000 मेगावाट का पावर स्टेशन, तो ये पी पावर का पावर स्टेशन है, इसने पावर जनरेट की, बड़ी डीसी सोर्स है, और ये हमारे सिटी के पास आ रही है, सिटी में सप्लाई आ रही है। क्या दिक्कत थी कि हमें एसी की जरूरत पड़ गई, साइनोसोइडल करंट की जरूरत पड़ गई, सारी चीजें बता दो। सबसे पहली चीज मुझे ये बताओ कि अगर मान लो मुझे यहाँ पे करंट लानी है सिटी पे, सिटी में यहाँ पे लोगों के घर भी हैं,
फैक्ट्री हैं, शॉप्स हैं, यहाँ पे बल्ब्स हैं, एसी हैं, फैन है, आरएल एक रेजिस्टेंस है, यहां पे एक पावर कंजम्पशन हो रहा है आई स्क्वायर आरएल। सेम करंट ट्रांसमिशन में भी जा रही है क्योंकि सीरीज में सब जुड़ा हुआ, यहां पे भी जा रही है। यहां पे एक पावर कंजम्पशन हो रही है आई स्क्वायर आरटी, ये ट्रांसमिशन लाइन है। होता क्या कि पावर स्टेशन शहर के बिल्कुल पास नहीं होते, थोड़ा सा दूर होते हैं। अब जैसे मान लो यूपी का पावर स्टेशन लखनऊ में तो कोई है नहीं, मिर्जापुर के पास तुम्हारा कहीं जाके वहां पे एक पावर स्टेशन है रेणुकूट सोनभद्र, वहां से 400 किलोमीटर की लंबी ट्रांसमिशन लाइन से पावर लखनऊ कानपुर जैसे शहरों में आ रही है। अब ये जो 400 किलोमीटर की पावर लाइन है, यहाँ पे कोई बल्ब फैन नहीं है, तो यहाँ पे जो पावर का लॉस हो रहा है, मुझे सिर्फ इतना बता दो, ये जो ट्रांसमिशन हो रहा है, ट्रांसमिशन लाइंस में जो आई स्क्वायर आरटी का पावर का लॉस हो रहा है, क्या ये कोई यूजफुल पावर लॉस है कि पूरा एनर्जी का वेस्ट है? वेस्ट है। बिल्कुल सही, ट्रांसमिशन के दौरान एनर्जी का वेस्ट होता है। अब तो मेरे को बताऊं कि बहुत ज्यादा वेस्ट होता है। इवन अभी हम लोग एसी करेंगे तो एसी में भी करीब 40% पावर वेस्ट हो जाती है, बहुत ज्यादा वेस्टेज होते हैं, और एनर्जी का वेस्ट मतलब एनर्जी का लॉस कुछ यूज ही नहीं हो रहा है। अब ये कर सकते हैं कि हम लोग जो ट्रांसमिशन में जो वेस्ट है उसको अगर हम मिनिमाइज करना चाहें तो या तो हम आई को कम करें या तो आर को कम करें। तो अब आर को कैसे कम करें, तो आर तो हम कम कर सकते हैं। आर की वैल्यू होती है रो रेजिस्टिविटी, एल लेंथ है एरिया, लेंथ का कुछ कर नहीं सकते, जितना है उतना ही रहेगा। रो का कर सकते हैं रेजिस्टिविटी कम रखें तो अच्छे कंडक्टर यूज करें। तो अच्छे कंडक्टर क्या, सबसे अच्छा कंडक्टर तो वही सिल्वर है, तो सिल्वर की वायर थोड़ी ना बनाने लगेंगे भाई, कॉपर के वायर बनाते हैं, कॉपर सस्ता भी पड़ता है। हाँ, अरे कॉपर तुमको पता है बेटा, कॉपर के तार भी लोग तोड़ तोड़ के गांव में ले जाते हैं। कॉपर भी तोड़ ले जाते हैं, अगर सिल्वर लगा देंगे तो तार तो पता नहीं सब गायब हो जाएगा अगले दिन। तो हाँ, सब गायब हो जाएगा। तो रेजिस्टिविटी काम कुछ नहीं कर सकते ज्यादा, क्योंकि हम कॉपर ही यूज करना है। लेंथ का कुछ कर नहीं सकते, लेकिन बेटा रेजिस्टेंस कम करने के लिए एरिया तो बढ़ा सकते हैं। और कौन सा एरिया, वायर्स का क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये एरिया बढ़ा सकते हैं। तो अब मुझे बताओ, जब ट्रांसमिशन लाइन होती है उसमें पतले तार यूज करते हैं, थिन वायर यूज करते हैं कि मोटे यानी कि थिक वायर यूज किए जाते हैं? जितना ज्यादा हम थिक वायर्स यूज करेंगे, एज जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा रेजिस्टेंस कम होगा, और रेजिस्टेंस जितना कम होगा ये ट्रांसमिशन में पावर लॉसेस। अल्टीमेटली हमारा जो गोल है, मैं तुम्हें साफ साफ बोल दे रहा हूं, हमारा गोल है टू मिनिमाइज पावर लॉसेज ड्यूरिंग ट्रांसमिशन, टू मिनिमाइज पावर लॉसेस ड्यूरिंग ट्रांसमिशन, रास्ते में आते जाते पावर वेस्ट ना हो। इसके लिए हम एक चीज तो ये करें कि रेजिस्टेंस कम करें, इसका मतलब वायर मोटे करें। इसलिए तुमने देखा होगा जो ट्रांसमिशन के तार होते हैं वो काफी मोटे मोटे होते हैं, और घरों में जो तार होते हैं वो पतले होते हैं, देखा ना सबने? यस सर। हाँ, अब अगली चीज, आई का क्या करें? मान लो नहीं, अभी भी पावर काफी लॉस हो रहा है, तो आई का क्या करें? अगर हमें वेस्ट घटाना है तो आई का क्या करें, आई को क्या करें? आई को हमें बढ़ाना चाहिए कि आई को घटाना चाहिए पावर लॉसेज मिनिमाइज करने? घटाना चाहिए, सही बात है, घटाना चाहिए। मान ली तुम्हारी बात, आई को घटाना चाहिए। अब अगर आई को घटाना चाहिए तो आई कैसे घटे? डीसी सोर्स में आई को घटाने का, अगर हमने आई एक बहुत ज्यादा घटा दी तो पता चला सिटी में बहुत कम करंट पहुंच रही है, सिटी में बहुत कम करंट पहुंच रही है, जबकि हमें सिटी में एक अच्छी खासी करंट चाहिए। तो आई हमें घटानी है ड्यूरिंग ट्रांसमिशन, पूरी नहीं घटानी है, क्योंकि जब वो सिटी पे वापस पहुंचेगी जहां पे फाइनली हमें डिस्ट्रीब्यूशन करना है, तो वहां पे हमें ट्रांसमिशन में तो करंट घटा देनी है, बट वहां पे हमें करंट बढ़ानी है। ट्रांसमिशन में करंट घटानी है बट डिस्ट्रीब्यूशन में करंट बढ़ानी है, तो हमको कुछ ऐसा तरीका ढूंढना पड़ेगा जहां पे हम करंट को घटा बढ़ा सके। डीसी में क्या होता है कि डीसी में करंट को घटाने बढ़ाने का देयर इज नो मेथड कि हम करंट को अपनी मर्जी से जब चाहे घटा बढ़ा लें, हम मैनिपुलेट नहीं कर पाते। तो आज से करीब 200 साल पहले न्यूयॉर्क सिटी में अमेरिका में पावर, जब सबसे पहली बार पावर सप्लाई सिटी में प्रोवाइड की जा रही थी, तो ये इश्यू हुआ, लड़ाई का इश्यू बना थॉमस अल्वा एडिसन और निकोलस टेस्ला में। थॉमस अल्वा एडिसन ने बोला कि हम शहर में करंट देंगे डीसी के थ्रू,
बट डीसी में करंट बढ़ाने घटाने बढ़ाने का कोई तरीका नहीं था। तो निकोलस टेस्ला आए और निकोलस टेस्ला ने बोला कि हम क्या करें, हम डीसी करंट ना यूज करें क्योंकि उसमें करंट घटाने बढ़ने का कोई तरीका नहीं है, तो पावर लॉसेज होने होने हैं। हमें अगर पावर लॉसेज मिनिमाइज करना है तो हम एसी करंट यूज करें। एसी करंट मतलब एक ऐसी करंट जो टाइम के साथ बदले, वेरिएबल करंट हो, वेरिएबल करंट यूज करें। साइनसोइडल भी हमने बना दिया है सिंबल, बट ऐसे समझ लो कि वेरिएबल करंट यूज करें। और वेरिएबल करंट जब होती है तो अभी मैं तुमको बताऊंगा कि वेरिएबल करंट एसी करंट को घटाने का बढ़ाने का हमारे पास एक तरीका होता है जिसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्मर। और मैं ये तुमको नेक्स्ट टॉपिक कराने जा रहा हूँ, बोर्ड के लिए, जेई मेंस के लिए, जेई एडवांस के लिए, सबके लिए पता होना चाहिए ट्रांसफॉर्मर क्या होता है। और ट्रांसफॉर्मर का अल्टीमेट पर्पज यही है कि ट्रांसफॉर्मर पावर लॉसेस को मिनिमाइज करने में यूज होता है। और वो क्या करता है, जब हम लोग यहां से जो पावर स्टेशन है, इस स्टेशन में पावर पी इज इक्वल टू वी आई फिक्स है, तो जब हम यहां पे पावर मिनिमाइज, जहां पे पावर तो खैर फिक्स है, जब हम ट्रांसमिशन में भेजना चाहते हैं तो ट्रांसमिशन में भेजते वक्त हम करंट को कम कर देते हैं और करंट को कम करके वोल्टेज को बढ़ा देते हैं, वोल्टेज को बढ़ा देते हैं क्योंकि पावर फिक्स है, एनर्जी तो कंजर्व रहती है। तो करंट को कम करके वोल्टेज को बढ़ाने के लिए एक ट्रांसफार्मर लगाते हैं जिसको बोलते हैं स्टेप अप। ये क्या करता है, पावर स्टेशन से निकलने वाले वोल्टेज को बढ़ा देता है। जैसे मान लो 220 वोल्ट का स्टेशन से आ रहा था, तो इसको बढ़ा के 1100 वोल्ट कर देगा, 440 वोल्ट कर देगा, जिसको हम बोलते हैं हाई टेंशन लाइन। अब ज्यादा वोल्टेज की लाइन ट्रांसमिशन में, हाई वोल्टेज 440, 1100, ऐसे कोई हाई वोल्टेज चल रहा है। अब जब दोबारा सिटी में करंट आनी होगी, यहां पे सिटी में करंट आनी होगी, तो फिर से हम बैक फिर यहां पे एक ट्रांसफार्मर लगा देंगे। और इस बार एक ट्रांसफार्मर लगाएंगे जिसको बोलेंगे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। वो क्या करेगा, उतने ही पावर पे वोल्टेज को डाउन कर देगा और करंट को फिर से नॉर्मल वैल्यू पे ले आएगा। पावर उतनी ही रहेगी, पावर वही रहेगी, पावर कॉन्स्टेंट एनर्जी कंजर्वेशन से। तो क्या होगा कि हमें जितनी करंट चाहिए थी वो सिटी पे मिल भी गई और ट्रांसमिशन के दौरान करंट ज्यादा भी नहीं रहे और ट्रांसमिशन में करंट का लॉस भी नहीं हुआ। अब ये जो ट्रांसफार्मर है, अभी तुमको बताऊंगा म्यूचुअल इंडक्टेंस के फिनोमेना पे काम करते हैं। और म्यूचुअल इंडक्टेंस का फिनोमेना तभी होगा जब करंट चेंज हो रही हो, क्योंकि इंडक्टेंस इज द अपोजिशन टू चेंज इन करंट और डीसी कभी चेंज ही नहीं होती। तो ट्रांसफार्मर जैसी डिवाइस सिर्फ एसी में फिट हो सकती है। और ट्रांसफार्मर अगर फिट कर लो स्टेप अप और स्टेप डाउन, तो ट्रांसमिशन में पावर लॉसेज मिनिमाइज हो जाते हैं। और इसलिए ही हम एसी प्रेफर करते हैं डीसी पे, क्योंकि ये एनर्जी को सेव करता है। एसी डीसी के ऊपर इसलिए प्रेफर की जाती है लार्ज स्केल एप्लीकेशन में। लैब में तो तुम डीसी यूज कर लेते हो, पर लार्ज स्केल घरों में, फैक्ट्री में एसी इसलिए प्रेफर की जाती है बेटा, क्योंकि एसी में पावर लॉसेज ड्यूरिंग ट्रांसमिशन कम होते हैं विद द हेल्प ऑफ ए डिवाइस कॉल्ड ट्रांसफार्मर। बोलो बेटा, ये लॉजिक समझ में आया सबको कि नहीं आया? सर ये लास्ट की फिर से बता रही है। अच्छा बता रहा हूँ, देखो स्टेशन में पावर बनी पी, पी का फॉर्मूला होता है पी इज इक्वल टू वी आई। अभी जो पी इज इक्वल टू वी आई है, इसमें पावर फिक्स है। हम क्या करते हैं, जब ये करंट निकलती है ट्रांसमिशन लाइन्स में जाने से पहले, तो हम एक डिवाइस लगाते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर। ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर स्टेप अप 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 कर देता है, वोल्टेज को बढ़ा देता है, अप करंट को कम कर देता है। करंट को कम करने से, तुमको बार बार बोल ही रहा हूं कि आई स्क्वायर आर, आई कम हो जाएगा, तो देखो आई का स्क्वायर है ना, आई कम हो जाएगा, हाफ हो जाए तो 1/4 हो जाएगा पावर लॉस। तो हमने क्या किया, आई को कम कर लिया तो पावर लॉसेस कम कर लिए। अब यहाँ पे पावर लॉसेस कम हो गए, करंट कम होगी, बट इतनी कम करंट यहाँ पे नहीं जानी है, करंट को हमें एक नॉर्मल वैल्यू पे लाना है। तो फिर एक ट्रांसफार्मर लगाते हैं स्टेप डाउन। स्टेप डाउन क्या करता है, उसी पावर को जो उसके पास एनर्जी आई उसमें डाउन, वोल्टेज को डाउन। देखो P इज इक्वल टू वी आई में वोल्टेज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू करंट, क्योंकि पावर कॉन्स्टेंट है, V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू I। तो V कम, I ज्यादा, फिर से I को बढ़ा देंगे और I को बढ़ा के हम सिटी पे डाल देंगे, तो हमको यहाँ पे तो नॉर्मल करंट मिल जाएगी और बीच में हमारी करंट का उतना बढ़ी भी नहीं थी तो लॉस भी नहीं हुआ, तो हमारी एनर्जी भी बच गई और हमारी एक जो स्टेबल और एक हाई वैल्यू ऑफ करंट हमें सिटी पे चाहिए थी वो भी मिल गई। और इसलिए एसी को डीसी के ऊपर प्रेफर करते हैं, क्योंकि एसी डीसी से पावर को बचाता है, पावर लॉसेस को मिनिमाइज करता है ट्रांसफार्मर के थ्रू। बोलो बेटा ये बात समझ में आई? सर V इज इक्वल टू IR से देखें तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है क्या?
बेटा वी इज इक्वल टू आई आर में तुम क्या मान रहे हो, आर कांस्टेंट मान रहे हो। बेटा आर नहीं कांस्टेंट होती, एनर्जी कांस्टेंट होती है। ये तुम कौन सी वी इज इक्वल टू आई आर, वी तुम्हारा आई के प्रोपोर्शनल तब है ना जब एक फिक्स वोल्ट रेजिस्टेंस में लगाओ। क्या बोला मैंने, इस पूरे दौरान यहां से यहां तक इस सर्किट में थोड़ा बहुत एनर्जी का लॉस होता है, बट हम एनर्जी यानी कि पावर कॉन्स्टेंट मानते हैं। पावर कॉन्स्टेंट, पावर पी कॉन्स्टेंट है, तो जब एनर्जी कांस्टेंट है तो हम एनर्जी को ही फोकस करेंगे। पावर पी को कांस्टेंट करो, अगर ये कांस्टेंट है, जैसे तुमसे मैं बोलूं वी इंटू आई की वैल्यू आ रही है 10, अभी कांस्टेंट है, ये नहीं बदल सकता, बदल ही नहीं सकता। तो वी इज इक्वल टू आई आर में अगर तुम वी भी बढ़ाओगे आई भी बढ़ाओगे, खुद देखो तुम वी भी बढ़ाओ आई भी बढ़ाओ तो पावर नहीं बढ़ जाएगा। यानी कि तुम 100 मेगावाट पावर प्रोड्यूस कर लो और यहां तुम 1000 मेगावाट यूज कर लोगे, ऐसा हो सकता है? वी भी बढ़ा लो आई भी बढ़ा लो, नहीं कर सकते ना, क्योंकि ये पावर कांस्टेंट है, एनर्जी थोड़ी ना तुम बढ़ा लोगे, जितनी पावर प्रोड्यूस हो रही उतनी तो यूज करोगे। इसलिए आई इज इक्वल टू 10 अपॉन वी, वी कांस्टेंट, वी के साथ इनवर्स रिलेशन। बोलो बेटा आप समझ में आया? सर वी इज इक्वल टू आईआर क्यों नहीं यूज करेंगे, आर भी तो कांस्टेंट है। अरे मुन्ना यही तो तुमको बता रहा हूं, अगर मैं V इज इक्वल टू आई आर यूज करूंगा, मैंने स्टेप अप ट्रांसफार्मर में वोल्टेज बढ़ाया, यहां से लग रहा है कि करंट बढ़ गई, तो अब ये मुझे बताओ P इज इक्वल टू वी आई में तुम्हारा वोल्टेज भी बढ़ गई करंट भी बढ़ गई, तो क्या ट्रांसफार्मर जो है 100 मेगावाट पावर को बढ़ा के 1000 मेगावाट पावर बढ़ा सकता है? कोई चीज जितनी पावर प्रोड्यूस हो रही है उससे ज्यादा पावर बढ़ा सकते हो, हाँ या ना? नो सर। अब V इज इक्वल टू आई आर कब यूज होता है मुन्ना, करंट इलेक्ट्रिसिटी में तुमने शायद ध्यान से नहीं पढ़ा। V is equal to IR तब यूज होता है जब एक फिक्स रेजिस्टेंस में तुम कोई करंट I ले जाओ और उसके दोनों एंड के बीच में V देखो। अब तुम क्या करोगे, वोल्टेज बढ़ाओगे तो करंट इस रेजिस्टेंस से बढ़ेगी। और मैं यहां पे क्या बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं कि यहां पे एक पावर प्रोड्यूस हुई, P प्रोड्यूस हुई। अब ये P जब प्रोड्यूस हुई, तो जब ये P प्रोड्यूस हुई तो इसमें वोल्टेज और करंट दोनों बदल सकते हैं। यहां पे क्या था, यहां पे भी वोल्टेज करंट दोनों बदल सकते हैं, बट वोल्टेज के बदलने से करंट बदलना है। यहां पे क्या है, P इज इक्वल टू वी आई में पावर जो स्टेशन ने प्रोड्यूस की है, ये तुम्हारा रेजिस्टेंस नहीं, ये एक एनर्जी का, तो ये एक एनर्जी का बैटरी टाइप की डिवाइस है, एनर्जी का प्रोड्यूसर है जो कि एक फिक्स पावर प्रोड्यूस कर रहा है। अब ये P इसने अगर पावर प्रोड्यूस की, जहां पे पावर वोल्टेज और करंट से P इज इक्वल टू वी आई से रिलेटेड होती है, तो अब इसमें तुम वोल्टेज बदलोगे तो करंट किस तरीके से बदलेगी जिससे पावर वही रहे। जब हम V इज इक्वल टू आई आर में V और I बढ़ाते हैं प्रोपोर्शनलिटी, तो पावर वही नहीं रहती, पावर बदल जाती है। इसीलिए जब हम P इज इक्वल टू V, जहां पे V इज इक्वल टू आई आर वाले क्वेश्चन में पावर निकालते थे, तो या तो हम V स्क्वायर बाई आर से निकालते थे, या तो I स्क्वायर बाई आर से निकालते थे, डिपेंडिंग अपॉन। अगर करंट सेम रहती तो I स्क्वायर आर करते थे, वोल्टेज सेम रहती तो V स्क्वायर बाई आर करते थे। हर जगह तुम्हारा ऐसा V इज इक्वल टू आई आर वैसे प्रोपोर्शनलिटी नहीं लगा देते थे। कई बार तुम्हारा ऐसा होता था कि हम सीरीज है तो करंट पे ही फोकस करें, वोल्टेज पे नहीं कर रहे, पैरेलल है तो वोल्टेज पे फोकस कर रहे हैं। और ये हमें देखना होगा ना, यहाँ पे पावर कंजर्वेशन, बिना पावर कंजर्वेशन लगाए हम कैसे कर देंगे बेटा? बोलो आप समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। तुम ये नहीं समझ पा रहे हो कि V इज इक्वल टू आई आर जो होता है, ये इस सर्किट का जो रेजिस्टेंस है उसमें हम वोल्टेज बढ़ाएंगे तो करंट घटाएंगे, ये हम ऐसा कर ही नहीं रहे, ये तुम्हारा ऐसा नहीं है। ये हम पावर हाउस की पावर के लिए बोल रहे हैं, पावर हाउस की पावर पी जो प्रोड्यूस कर रहा है उसके लिए बोल रहे हैं, उसकी पावर कांस्टेंट है, पावर हमने फिक्स कर दी, ये एक कंस्ट्रेंट लगा दिया है। जब V इज इक्वल टू आई है तो कंस्ट्रेंट नहीं लगा हुआ है, यहाँ पे कंस्ट्रेंट लगा है कि पावर कांस्टेंट है, लिख लो ये पावर कांस्टेंट है। जब तक P फिक्स नहीं कर दोगे तब तक तुम नहीं कर सकते, ये एक एडिशनल रिलेशन है। V is equal to IR तो होल्ड करेगा करेगा, बट P is equal to VI भी उसके साथ लगाना है। तो अब तुम ये ऐसे ही V और I की वैल्यू लोगे जो मल्टीप्लाई करने के बाद फिक्स P आए, ऐसी यूज ही नहीं करोगे जिनसे तुम्हारा P बदल जाए। बोलो आप समझ में? चलो बेटा अब मुझे ओवरऑल समरी बताओ, बोलो why AC is preferred over DC, वन लाइन आंसर दो। तुम लोगों का जो बैच है क्लास 12 का है ना, सब लोगों का पावर स्टेप का तो नहीं है ना, क्लास 12 है ना, तो मुझे ये बताओ सब लोग बोर्ड एग्जाम दोगे और बोर्ड में एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन, इसलिए तुम लोगों को करवा रहा था। और ये क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है और ये करीब 4-5 मार्क्स का बड़ा, मतलब तुम्हें एक लॉन्ग आंसर टाइप रहता है कि why alternating current is preferred over DC in power supply,
और तुमको एक फुल पैराग्राफ बना के लिखना, तो आप बोलो वो पैराग्राफ बना के फुल आंसर लिख लोगे? यस क्लियर बना के लिख लेते लेकिन अब आया नहीं। यस सर लिख लेंगे सर। तो अब आएगा ही नहीं तो नहीं आएगा, खत्म हो गया उसका एमसीक्यू है, ऑब्जेक्टिव है। अच्छा नहीं तो हो सकता है ना कि अगले साल का वो तुम्हारा वो कर दे, मतलब जरूरत हुई ना कि अगले साल का पैटर्न उन्होंने भी डिसाइड कर दिया कि ऑब्जेक्टिव आएगा। और क्या बता एक में ऑब्जेक्टिव तक के चैप्टर्स का ऑब्जेक्टिव रहेगा और बाकी जो दूसरी बुक यहाँ से शुरू होती है वहाँ से सब्जेक्टिव रहेगा। अच्छा मतलब ऑप्टिक्स और ये सब मत कराइए। अच्छा चलो चलो फिर लिख लिया तुमने यहाँ से यहाँ तक की स्नैपशॉट ले लो। देखो बेटा करना तो पड़ेगा, मतलब ऐसे छोड़ दो ना सब। अगर मैं लोग तो ये नहीं कराऊंगा तो ट्रांसफार्मर कैसे करोगे ये बताओ। अगर चलो मैं ये ना बताता तो ट्रांसफार्मर कैसे समझते? ट्रांसफार्मर तो होगा सिलेबस में कि वो भी नहीं है। अरे सर उसके लिए थोड़ी ना पढ़ना है, सब्जेक्ट नहीं है, पता नहीं क्या है क्या नहीं है। तो अब ये आइए इनको बताने दीजिए सर। अरे तुम तो बड़े लल्लू इंसान हो यार, तुम तो कौन से स्कूल में पढ़ते हो? उसके हिसाब से कुछ स्पेस सिलेबस में। नाम बताओ बेटा तुम्हारा क्या है बेटा? लल्लू बेटा नाम बताओ, नाम बताओ बेटा। अरे नाम तो बताओ मुन्ना। देखो बेटा अगर हम लोग ट्रांसफॉर्मर करेंगे तो बिना ट्रांसफॉर्मर के यूज के बिना तो ही ना कर लेंगे। ट्रांसफॉर्मर का पर्पज तो जानना पड़ेगा कि ट्रांसफॉर्मर यूज क्यों करते हैं। तो बोलो सबने यहाँ की स्नैपशॉट ले ली, इसके आगे बढ़े? यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ तो घर में स्टेबलाइजर होते हैं वो भी ट्रांसफार्मर का ही काम करते हैं क्या? स्टेबलाइजर अलग चीज होती है। स्टेबलाइजर जो होता है वो वोल्टेज को अप डाउन करने की बजाय स्टेबल एक कांस्टेंट वैल्यू पे ले जाता है और यहाँ पे हमारा वो वोल्टेज की फ्लक्चुएशंस को कंट्रोल करता है। ये एक फिक्स वैल्यू पे अप करता है, फिक्स वैल्यू पे डाउन करता है। और स्टेबलाइजर जो होता है वो वोल्टेज के फ्लक्चुएशंस को कंट्रोल करता है। तो फ्लक्चुएशंस अलग चीज है, यहाँ पे फ्लक्चुएशंस नहीं हो रहे थे, यहाँ पे तो एक साइनोसॉइडल वोल्टेज था जिसको तुम लगातार बढ़ा दे रहे हो और लगातार घटा दे रहे हो। जबकि यहाँ पे देखो एक स्टेप अप जो पूरा बढ़ा दे रहा है और एक स्टेप डाउन जो पूरा घटा दे रहा है, जबकि वहां पे जो करते हो वो एक स्टेबल वैल्यू है। मान लो जैसे वोल्टेज अभी हमारे पावर जो होता है घर में तो अचानक से बढ़ जाता है, अचानक से घट जाता है, तो वो वहां पे स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए यूज करते हैं। तो ट्रांसफार्मर अलग चीज होती है, स्टेबलाइजर अलग चीज होती है। तो अब हेडिंग डालो अगली सब लोग ट्रांसफार्मर। और ये इस पे क्वेश्चन बेटा जेई मेंस में भी आते हैं, जेई एडवांस में भी ये टॉपिक है और तुम्हारे बोर्ड में भी है टॉपिक। तो इसको करना था, ट्रांसफार्मर की हमें पर्पस जाननी थी, सिग्निफिकेंस जाननी थी, इसलिए हम लोग ये करते ही करते। चलो फिर आगे बढ़ते हैं ट्रांसफार्मर। तो सबसे पहले जानो ट्रांसफार्मर होता क्या है। तो ट्रांसफार्मर की डिफिनीशन लिखो, लिखो ट्रांसफार्मर इज ए डिवाइस, ट्रांसफार्मर इज ए डिवाइस बेस्ड ऑन म्यूचुअल इंडक्टेंस। ट्रांसफार्मर इज ए डिवाइस बेस्ड ऑन म्यूचुअल इंडक्टेंस which is used for changing the voltage of an AC circuit, changing the voltage of an AC circuit. Next point likho, it uses two coils wound over same iron core
वाउंडेड ओवर सेम आयरन कोर वन ऑफ द कॉइल इज कॉल्ड प्राइमरी कॉइल एंड द अदर कॉइल इज कॉल्ड सेकेंडरी कॉइल वन ऑफ द कॉइल इज कॉल्ड प्राइमरी कॉइल एंड द अदर कॉइल इज कॉल्ड सेकेंडरी कॉइल लिख लिया बेटा यहां तक ओके तो अब देखो थोड़ा सा फिगर भी देखते चलते हैं देखो ये ट्रांसफॉर्मर का फिगर है ठीक अब सब लोग देख लो अच्छे से फिर मैं तुम लोगों को समझा दूं देखो होता क्या है ये एक आयरन का कोर है ये जो तुम लोगों को दिख रहा होगा ये एक आयरन का कोर है ये जो तुम लोगों को पूरा दिख रहा है फ्रेम ये एक आयरन का कोर है इस आयरन के कोर पे एक कॉइल ये लेफ्ट साइड देखो इसको वाउंड किया वाउंड करना मतलब बांधना ये ऐसे 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 इसको राउंड करके बांधा हुआ ये है प्राइमरी कॉइल प्राइमरी मतलब फर्स्ट कॉइल और सेम आयरन कोर पे देखो यही आयरन कोर है जो बीच वाला है ना इसी कोर पे आयरन एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है सेम आयरन कोर पे एक दूसरी कॉइल भी बांधी हुई है ये वाली कॉइल है सेकेंडरी प्राइमरी मतलब फर्स्ट सेकेंडरी मतलब सेकेंड अब होता क्या है ऐसा क्यों करते हैं और इसका पर्पस क्या है तो तुम लोगों ने इंडक्टेंस का फिनोमेना पढ़ा होगा इंडक्टेंस का फिनोमेना बोलो बोलो बताओ बेटा इंडक्टेंस कैसे डिफाइन करेंगे बोलो मुन्ना इंडक्टेंस क्या होता है इंडक्टेंस इज डिफाइंड एज अपोजिशन टू चेंज इन करंट जब भी हम किसी कॉइल से पास करने वाली करंट चेंज करते हैं तो उसमें उस करंट के चेंज को अपोज करने की एक टेंडेंसी आ जाती है जिसको इंडक्टेंस कहते हैं अगर किसी कॉइल में करंट चेंज करो और उसी में ही खुद अपोजिशन आ जाए तो उसको सेल्फ इंडक्टेंस कहते हैं इसको एल से डिनोट करते हैं और अगर तुम किसी कॉइल में करंट चेंज करो और उसके नियर बाई कॉइल में दो कॉइल है और मैंने इसमें चेंज किया और इसमें मैं चेंज के अपोजिशन देख रहा हूं ये आई वन और यहां पे उसको अपोज करने के लिए एक दूसरी आई टू आ रही है तो उसको म्यूचुअल इंडक्टेंस कहते हैं बोलो बेटा ये कुछ याद आ रहा है सबको yes, बोलो बेटा yes, याद आ रहा है सबको हाँ yes, तो बोलो सब लोग अच्छा चलो तो म्यूचुअल इंडक्टेंस जो होता है वो अपोजिशन टू चेंज इन करंट होता है जहां पे दो कॉइल होती है अब ये प्राइमरी है ये सेकेंडरी है अब मैंने क्या किया कि प्राइमरी में मैंने एक वेरिएबल करंट लगा दी और साइनोसॉइडली वेरिएबल करंट लगा दी से मैंने यहां पे एक वोल्टेज लगा दिया वी इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी अब ये वोल्टेज लगातार साइनोसॉइडली कुछ इस तरीके से चेंज हो रहा है वोल्टेज चेंज होगा तो इसकी वजह से यहां पे करंट भी चेंज होगी इस करंट को मैंने लिख दिया आई प्राइमरी और इस वोल्टेज को लिख दिया वी प्राइमरी बोले यहां तक कोई दिक्कत कि अगर वोल्टेज साइनोसॉइडली चेंज होगा तो उसकी वजह से करंट भी साइनोसॉइडली चेंज होगी यहां तक कोई दिक्कत सबको बोलो किसी को कोई दिक्कत अब मुझे ये बताओ ये वोल्टेज चेंज हुआ करंट चेंज हुई साइनोसॉइडली तो ये जो करंट है ये करंट कुछ इस तरीके से जा रही है कॉइल में प्राइमरी कॉइल देखो ये कोर में देखो और ये कोर कुछ ऐसा होता है कोर हम उसको बोलते हैं जो अंदर कॉइल के भीतर भरा जाता है कोर हम इसको बोल रहे हैं ये जो आयरन कोर है ना इसको ऐसे इमेजिन करो ये आयरन का कोर है ये आयरन का कोर है ये आयरन का कोर है ये एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है तो जब तुम्हारी करंट यहां पे पास करेगी तो इस आयरन के कोर के भीतर मैग्नेटिक फील्ड आ जाएंगी अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड आएंगी ये B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई या B इज इक्वल टू म्यू एन आई से करंट के प्रोपोर्शनल है म्यू फिक्स है एन नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ फिक्स है आई बदला तो इसका मतलब है B बदलना होगा अब बोलो बेटा यहां तक समझ में आ रहा है कि अगर ये प्राइमरी कॉइल है और प्राइमरी कॉइल के भीतर एक आयरन का कोर है प्राइमरी में करंट आई प्राइमरी चेंज हो रही है तो अंदर कोर में मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है बोलो बेटा ये समझ में आया सबको कि मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही हो हाँ सर अब ये बताओ कि अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही होगी आयरन कोर में
तो इसका मतलब है कि अंदर फ्लक्स भी चेंज हो रहा होगा? यस सर। यस सर। अच्छा, अगर फ्लक्स चेंज हो रहा होगा तो इसका मतलब है कि फ्लक्स होता है ना, ऐसे लाइंस दिखा देंगे, फ्लक्स है, फ्लक्स चेंज हो रहा होगा तो वो फ्लक्स किसका चेंज हो रहा है? ये फ्लक्स तो इस रीजन से चेंज हो रहा है। अब अगर इस आयरन कोर में फ्लक्स चेंज हो रहा है तो वो आयरन कोर के ऊपर एक कॉइल नहीं थी, इस आयरन कोर के ऊपर एक कॉइल होती तो बात सही थी, इस आयरन कोर के ऊपर एक और कॉइल है। ये देखो, इस आयरन कोर के ऊपर एक के ऊपर दो कॉइल है, एक प्राइमरी कॉइल और एक सेकेंडरी कॉइल है। प्राइमरी में करंट बदली तो फील्ड बदली, प्राइमरी में करंट बदली तो फील्ड बदली, फील्ड बदली तो फ्लक्स बदला, बट वो फ्लक्स जो बदला वो सेकेंडरी ने फील कर लिया, सेकेंडरी को भी पता चल गया भाई सेकेंडरी में भी फ्लक्स वही है, भाई सेकेंडरी के भीतर भी वही फील्ड है। और अगर सेकेंडरी में फ्लक्स बदलेगा तो उस फ्लक्स के बदलने से यहाँ पे एक ईएमएफ इंड्यूस होगा, यहाँ पे करंट इंड्यूस होगी। इसका मतलब है कि यहाँ प्राइमरी से सेकेंडरी के बीच में तुम्हारा म्यूचुअल इंडक्टेंस इन्वॉल्व हो गया, और म्यूचुअल इंडक्टेंस इन्वॉल्व हो गया यानी कि यहाँ पे एक ईएमएफ इंड्यूस हो गया। तो तुमने यहाँ पे लगाया था Vp is equal to V0 sin omega t, और यहाँ पे एक इंड्यूस्ड ईएमएफ यानी कि एक इंड्यूस्ड वोल्टेज आ गया, और वो इंड्यूस्ड वोल्टेज आएगा, मान लो मैंने उसको V सेकेंडरी लिख लूं, तो वो V सेकेंडरी की वैल्यू से आ रही है, मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे V प्राइमरी था तो ये Vp0 लिख लेता हूँ, और यहां पे लिख लेता हूं V सेकेंडरी Vs0 sin omega t plus phi। यहां पे भी इसी टाइप का, क्योंकि sinusoidal क्यों आएगा, तो देखो करंट यहां पे sinusoidal थी तो इसकी वजह से तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड भी sinusoidal होगी, फ्लक्स भी sinusoidal होगा। जब तुम dphi by dt करोगे, टाइम के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट करोगे, तो sin theta का डिफरेंशिएशन cos theta आता है, वो भी एक sinusoidal होता है। तो इसलिए हमको यहाँ पे भी टाइम के रेस्पेक्ट में एक साइनोसोडल फंक्शन ही मिलेगा, इसलिए सेकेंडरी में एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा जो कि साइनोसोडल होगा। मुझे ये बता दो यहां तक समझ में आया सबको कि प्राइमरी में अगर साइनोसोडल वोल्टेज लगा दें तो सेकेंडरी में भी साइनोसोडल वोल्टेज इंड्यूस हो जाता है? बोलो यहां तक कोई दिक्कत किसी को? बोलो किसी को कोई दिक्कत अभी तक? नहीं। अच्छा, तो बताओ ट्रांसफार्मर किस प्रिंसिपल पे काम करती है, ट्रांसफार्मर किस प्रिंसिपल पे काम कर रहा है अब तक, बताओ क्या समझ में आया? मैंने क्या लिखवाया? तो बेटा ये बताओ, ये समझ में आया कि दो कॉइल होती है और सेम आयरन कोर पे होती है, इसका पर्पस समझ में आ गया? आयरन क्या करता है, आयरन एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, वो फील्ड को इंटेंसिफाई कर देता है, बढ़ा देता है, तो वो बढ़ के वो फील्ड तुम्हारी कुछ आ जाएगी बीए, फ्लक्स जितना ज्यादा होगा, फील्ड जितनी ज्यादा होगी तो ईएमएफ भी उतना ज्यादा इंड्यूस होगा। अब क्या हो, हाँ, तो अब बेटा देखो होगा क्या मुन्ना, कि प्राइमरी में हमेशा हम इनपुट डालते हैं, प्राइमरी वो कॉइल है जहां पे इनपुट डाला जाए, और मुन्ना सेकेंडरी वो होती है जहां पे आउटपुट लिया जाए, सेकेंडरी वो होती है जहां पे आउटपुट लिया जाए। अब प्राइमरी में इनपुट साइनोसोइडल डाला था तो सेकेंडरी में भी हमको जो आउटपुट मिलता है वो भी साइनोसोइडल मिलता है, लेकिन इन दोनों में एक रिलेशन होता है। अब वो रिलेशन क्या है, तो बेटा तुम लोगों ने ऐसा कुछ पढ़ रखा है कि जब तुम्हारा एक ही, ये एक ही कोर है, ये देखो सबको दिख रहा है एक ही कोर है, इसी को हम कोर बोल रहे हैं, और इसी से फील्ड जा रही है और इसी से फ्लक्स जा रहा है। अब यहां पे आके मैं एक लॉजिक यूज करूंगा कि प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल्स जो हैं, दोनों कॉइल हैं वो सेम फ्लक्स ही शेयर कर रही हैं, बोथ कॉइल शेयर द सेम फ्लक्स, सेम फ्लक्स शेयर कर रही हैं, दोनों कॉइल सेम फ्लक्स शेयर कर रही हैं, और फ्लक्स क्या होता है, फाई होता है। अब सेम फ्लक्स शेयर करने का मतलब क्या है, तो सेम टोटल फ्लक्स नहीं सेम शेयर कर रही है, सेम फ्लक्स पर यूनिट टर्न शेयर कर रही है। अभी पर यूनिट टर्न क्या है, तो देखो ये अगर तुम्हारा एक टर्न है, इससे कुछ फील्ड लाइंस जा रही हैं, और प्राइमरी और सेकेंडरी का तुम देखो कॉइल्स का एरिया एक ही है, सेम फील्ड है, सेम एरिया है, तो फ्लक्स की वैल्यू बी इंटू ए एक टर्न से तो सेम है। बट मान लो मैं तुमसे बोलूं कि प्राइमरी और सेकेंडरी में सब कुछ सेम है, बट एक चीज का डिफरेंस है, और वो डिफरेंस है नंबर ऑफ टर्न्स का। नंबर ऑफ टर्न्स सेम नहीं है, नंबर ऑफ टर्न्स अलग अलग है, नंबर ऑफ टर्न्स
मान लो मैंने प्राइमरी में रख लिए एनपी और सेकेंडरी में मैंने बदल के कुछ और रख लिया, सेकेंडरी में मैंने रख लिए नंबर ऑफ टंस एनएस, टंस का डिफरेंस है। से जैसे मैंने प्राइमरी में रख लिए 100 और सेकेंडरी में रख लिए 10, तो अब मुझे बताओ कि एक कॉइल में बहुत सारे टंस हैं और एक कॉइल में टंस कम है, इसी के ऊपर वाउंड, एक कॉइल में टंस कम है, दूर दूर है। अब होगा क्या कि सेम फील्ड है, सेम फ्लक्स है, बट एक टन का फ्लक्स सेम है, इसमें N1 टंस है, इसमें N2 टंस है। तो इसमें एक टन का फ्लक्स अगर फाई है तो N2 फाई फ्लक्स आ रहा है और इसमें N1 फाई आ रहा है। तो मुझे ये बताओ दोनों कॉइल से जो फ्लक्स टोटल होगा वो सेम होगा कि अलग अलग होगा? सर अलग अलग होगा। हाँ बेटा बिल्कुल सही बोला बेटा, अलग अलग होगा। तो अगर मैं तुमसे बोलूं कि जो प्राइमरी जो कॉइल है, जो पहली वाली जो कॉइल है, उसके साथ जो फ्लक्स है वो मैं लिख लूं N1 × ∅, पहली वाली में जो फ्लक्स है वो टोटल लिख लूं N1 × ∅, तो तुमको मालूम है कि पहली में जो EMF होगा, तुमको मालूम है कि N, याद है E is equal to minus का d phi by dt, माइनस में हटा दे रहा हूं क्योंकि मैं मैग्नीट्यूड रखने जा रहा हूं। तो जब मैं d by dt of N1 phi करूंगा तो N1 बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है, तो प्राइमरी में जो EMF यानी कि वोल्टेज है, N1 यानी कि जो प्राइमरी में नंबर ऑफ टर्न है, प्राइमरी में नंबर ऑफ टर्न है, उनको मैं एक काम करूं, कुछ मान लेता हूं प्राइमरी में नंबर ऑफ टर्न को एनपी मान लूं, तो ये बन जाएगा एनपी डिफाई बाई डी टी। और जब मैं सेकेंडरी में ईएमएफ निकालूंगा, माइनस एन दोनों में नहीं लिख रहा हूं, तो वहां पे सब कुछ सेम है, एक टर्न का फ्लक्स सेम है जिसको हम लोगों ने फाई माना है, फाई यहाँ पे फ्लक्स पर टर्न है। तो जो सेकेंडरी में वो वोल्टेज आएगा वो होगा एन सेकेंडरी डिफाई बाई डी टी, मतलब जिसमें ज्यादा टर्न होंगे उसमें फ्लक्स ज्यादा, और जिसका फ्लक्स ज्यादा, तो फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से जिसमें फ्लक्स ज्यादा, फ्लक्स का चेंज ज्यादा, उसमें ईएमएफ यानी कि वोल्टेज भी ज्यादा। तो प्राइमरी और सेकेंडरी में सब कुछ सेम होता है, बस इस चीज का डिफरेंस होता है, सेम एक टर्न का फ्लक्स तो सेम है बट नंबर ऑफ टर्न्स का डिफरेंस है, और नंबर ऑफ टर्न्स के डिफरेंस होने की वजह से प्राइमरी और सेकेंडरी में जो ईएमएफ आता है वो नंबर ऑफ टर्न्स के प्रोपोर्शनल आता है। तो जो वोल्टेज है वो नंबर ऑफ टर्न्स के प्रोपोर्शनल होने का मतलब है कि जिसमें ज्यादा टर्न होंगे वहां ज्यादा वोल्टेज होगा। अब जिसमें ज्यादा टर्न होंगे उसमें ज्यादा वोल्टेज होने का मतलब ये है कि अगर प्राइमरी में नंबर ऑफ टर्न्स, अगर प्राइमरी में नंबर ऑफ टर्न्स सेकेंडरी से ज्यादा हो तो प्राइमरी का वोल्टेज सेकेंडरी से ज्यादा, प्राइमरी का वोल्टेज सेकेंडरी से ज्यादा यानी कि तुम आउटपुट पे, क्योंकि सेकेंडरी आउटपुट है, तुम्हें कम वोल्टेज मिलेगा, तो हम उसको बोलेंगे स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्म, वोल्टेज कम हो जाना। और अगर प्राइमरी में टर्न्स कम रखे जाएं और सेकेंडरी में टर्न्स ज्यादा रखे जाएं तो सेकेंडरी में वोल्टेज हमें प्राइमरी से ज्यादा मिलेगा, सेकेंडरी में वोल्टेज बढ़ जाएगा, तो हम उसको बोलेंगे स्टेप अप ट्रांसफॉर्म। हमने वोल्टेज को घटाना बढ़ाना सीख लिया सिर्फ और सिर्फ एक चीज करके, नंबर ऑफ टर्न्स को मैनिपुलेट करके। नंबर ऑफ टर्न्स का वोल्टेज के साथ रिलेशन क्या है? ये रिलेशन है ई प्रोपोर्शनल टू एन, टर्न्स ज्यादा तो वोल्टेज ज्यादा। वोल्टेज ट्रांसफॉर्मर में किसी भी कॉइल पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ टर्न्स के, बाकी दोनों में सेम है। तो अगर मान लो मैं तुमसे एक बात बोलूं कि मैंने एक सर्किट बनाया ट्रांसफॉर्मर का और यहां पे मैंने क्या किया 220 वोल्ट दिए प्राइमरी में, 220 वोल्ट दिए प्राइमरी में। अब यहां पे मुझसे ये है हमारी कोर, ये है हमारी कोर, और यहां उससे सेकेंडरी में लिया जा रहा है, सेकेंडरी में आउटपुट लिया जा रहा है। मैंने क्या किया यहां पे टर्न्स रखे थे, से 10 टर्न्स रखे थे। अब मैं यहां पे 100 टर्न्स रख रहा हूं। अब मुझे बताओ बेटा सेकेंडरी में यहां पे कितना वोल्टेज आएगा? है आरएम वो भी तुम्हारा एसी, बट कितना वोल्टेज आएगा? बोलो बेटा, टर्न्स मैंने 10 टाइम्स बढ़ा दिए, क्या करोगे? तो मैं तुमसे बोलूंगा देखो ई प्राइमरी का एन प्राइमरी डिफाई बाई डी टी, ई सेकेंडरी का एन सेकेंडरी डिफाई बाई डी टी, दोनों को डिवाइड कर दो तो बन जाएगा ई प्राइमरी अपॉन ई सेकेंडरी इज इक्वल टू एन प्राइमरी अपॉन एन सेकेंडरी, और यही ट्रांसफॉर्मर की बेसिक इक्वेशन होती है नंबर ऑफ टर्न्स के प्रोपोर्शनल। तो देखो ई प्राइमरी है 220, ई प्राइमरी है 220, एन प्राइमरी है नंबर ऑफ टर्न्स 10, ई सेकेंडरी पूछा गया है और नंबर ऑफ टर्न्स जो सेकेंडरी में है वो 100,
इधर ले आओ, तो ए सेकेंडरी की वैल्यू 100 अपॉन 10 मल्टीप्लाई होगी तो 2200 वोल्ट। देखो 10 गुना बढ़ गया वोल्टेज, क्योंकि टर्न्स बढ़े तो वोल्टेज बढ़ा, टर्न्स घटे तो वोल्टेज घटा। तो अगर सेकेंडरी में तुम वोल्टेज 2200 वोल्ट ले रहे हो टर्न्स बढ़ा के, तो मुझे बताओ ये कौन सा ट्रांसफॉर्मर है, स्टेप डाउन है कि स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर है, जो एग्जांपल मैंने लिया है? स्टेप अप। बिल्कुल सही बेटा, बिल्कुल सही मुन्ना, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर है, बिल्कुल सही बोल रहे हो, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर है। बोलो बेटा समझ में आया कुछ मैं क्या बता रहा हूँ? क्वेश्चन की बात करो बेटा की थ्योरी की बात करो मुन्ना? सर थ्योरी में। अच्छा अच्छा, इस पेज पे किस पेज पे? सर इस पेज पे सर। और पहले वाले पेज पे, ये वाला? यस सर, बोथ कॉइल्स शेयर सेम फ्लक्स पर यूनिट टर्न। हां बता दो, बता दो। देखो यही इनफैक्ट यही चीज समझने की, तुमने क्वेश्चन पूछा ना बेटा, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, यही एक चीज समझने की, ऐसा क्यों हो रहा है बता। ये एक आयरन का कोर है, तो इस आयरन के कोर पे इमेजिन करो एक नहीं दो कॉइल, और आयरन के कोर में कुछ मैग्नेटिक फील्ड आई है बी, सिर्फ एक लाइन से दिखा रहा हूं, ये एक बी आई है और ये आयरन के कोर पे है। अब इसके ऊपर तुम कुछ भी तार वार बांध लो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये एक मैंने कॉइल बांधी ऐसे ऐसे ऐसे, ये है कॉइल वन। अब दूसरे कलर से मैं दिखा रहा हूं एक दूसरी कॉइल बांध रहा हूं, दूसरी कॉइल ऐसे बांध रहा हूं, ये एक दूसरी कॉइल है, ये एक दूसरी कॉइल है, ये एक दूसरी कॉइल है, ये है कॉइल टू। टर्न्स अलग अलग है, इसमें मान लो जैसे पहले वाले में दो टर्न थे, इसमें तीन चार टर्न है, टर्न्स का अलग अलग है, लेकिन किसी भी एक टर्न से देखो, चाहे इस कलर वाली से देखो चाहे तुम पहले वाले से देखो, एक टर्न से देखो, इन दोनों में सेम बीज आ रही है, इसमें भी सेम बीज आ रही है और उसमें भी सेम बीज आ रही है, इसमें भी सेम भी जा रही है, इसमें भी सेम भी जा रही है, और एरिया भी सेम है, क्योंकि कॉइल्स का एरिया भी सेम है, मतलब सेम टाइप की, बिल्कुल साइज भी सेम है, बस उनके ऊपर है हमने क्या प्लास्टिक वास्टिक कुछ नॉन कंडक्टर बांध दिया, जिससे दोनों कॉइल में आपस में क्रिस क्रॉस कुछ ना हो, और हमने क्या किया उनको सेम साइज दे दिया है, सेम तुम्हारा हमने उनको वाइंड कर दिया बस। अब बताओ कि सेम मैग्नेटिक फील्ड है, सेम एरिया है, तो क्या एक टर्न का फ्लक्स अलग अलग बोले कि सेम बोले, ये बताओ? सेम बोले। अब डिफरेंस सिर्फ इतना है कि एक में टर्न बहुत ज्यादा है, मान लो जैसे 100 टर्न है, तो बी ए 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 जोड़ के इसके पास टोटल फ्लक्स हो जाएगा 100 बी ए 100 बी ए। एक में टर्न सिर्फ 10 है, तो इसमें बी ए बी ए बी ए एक टर्न का जोड़ के इसके पास सिर्फ 10 बी ए का फ्लक्स होगा। जब टोटल फ्लक्स लिखने की बारी आएगी तो एक में फ्लक्स है N15, और जहां पे फ्लक्स एक टर्न का फ्लक्स फाइव है, और एक में फ्लक्स आएगा N25, जैसे इसमें 10 फाइव आ रहा था, इसमें 100 फाइव आ रहा था, इसलिए टोटल फ्लक्स अलग अलग हो जा रहा है, बट एक टर्न का फ्लक्स सेम है, क्योंकि एक टर्न का फ्लक्स निकालने के लिए सिंपली बी इंटू ए करना है। बोले बेटा आप समझ में आई क्या बोल रहा हूं मैं? यस सर। बोले बेटा बहुत देर से तुम लोगों की शक्लें नहीं देखी, एक बार शक्लें देख लो, तुम लोग जो है सुन भी रहे हो या नहीं सुन रहे हो, शक्लें देख लो। सुहानी बेटा समझ में आया? Yes, अच्छा सुहानी, इसके बाद नेहा, नेहा बताओ बेटा। Yes, sir. आ गया? अनिल आ गया सर। शांत, बड़े परेशान लग रहे हो, क्या बात है? हाँ परेशान है सर। अच्छा याद तो नहीं आ रही है किसकी? अच्छा चलो कोई बात नहीं इसकी याद आएगी, सब यही है अगल बगल। अच्छा चलो ठीक। अंजनी आ गया समझ? अच्छा चलो अब मुझे ये समझ में आ गया। तो अभी टाइम दोबारा ओवर हो रहा है, तो ट्रांसफार्मर के बुक के क्वेश्चन थोड़ा देखना, थोड़ा समझना, नेक्स्ट क्लास में मैं तुम लोगों को ट्रांसफार्मर के क्वेश्चन भी करा दूंगा, ठीक? और बाकी मूविंग चार्ज मेरे ध्यान तो करते रहना, ठीक? कोई दिक्कत नहीं, ठीक? चलो बाय बाय। हाँ बोलो क्या कर दूं सर? नेक्स्ट ले लो, हाँ ले लो स्नैपशॉट ले लो। हाँ अगली क्लास से बोर्ड पे पढ़ाई, वहाँ मजा आता है स्पेशल अच्छा सब क्या क्या है, मतलब मैंने देखा कि कई बार वो बोर्ड पे कई बार क्या होता है कि आवाज जो उसमें लैग आने लगता है, ज्यादातर बैच वाले ये बोलते हैं, तो देख लो मुझे कोई दिक्कत नहीं, मेरे तो बोर्ड भी पढ़ा सकते हो, उसमें पढ़ा सकते हो, क्या कहना है तुम लोगों का? सबसे पूछ लेते हैं बोर्ड पे पढ़ाई, अच्छा ठीक।
अच्छा चलो जो बोलोगे वो उसमें बढ़ा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। एक वो खरीद लीजिए सर जो आता है, क्या ब्लूटूथ वाला ईयरफोन तो आज भी आपकी सही है। अच्छा ठीक है चलो, खर्चा करवाओगे तुम मेरा। अरे तो क्या करेंगे बच्चा पैसा इतना।